योग विद्या एक ऐसी विद्या है जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विद्या मानी जाती है, और योग करने से सब काम कुशलता पूर्वक होने लगता है। कहा गया है योगा कर्मसु कौशलम, यानी जो कार्य कुशलता पूर्वक किया जाए वह योग है, वही योग है। योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को निरोध कर देना, रोक देना ही योग है। वासुदेव सर्वम, मैंने चारों तरफ वासुदेव विराजमान है। सिया राम में सब जग जाने, यानी इस संसार के सृष्टि के हर वस्तु को हम सीता और राम के रूप में हम उसके प्रणाम करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, यानी हम सब जो जीवात्मा है, जो जीव है, उस पर ब्रह्म के एक अंश है। इसलिए परमात्मा जब पूर्ण है तो हम भी पूर्ण है, कभी अपूर्णता का अनुभव नहीं करिए। हमारे अंदर सब कुछ विराजमान है, जो भगवान कृष्ण के अंदर, राम के अंदर, लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती के अंदर जो शक्तियाँ निहित थी, वही शक्तियाँ हमारे अंदर भी स्थापित है। जरूरत है उस शक्तियों को जगाने की, जरूरत है उस अपरिमित ज्ञान को ऊंचाई तक ले जाने का। तो आइए हम एक पैकेज के रूप में, हम प्रतिदिन क्या हमें करना है एक घंटा में, उस पर आज हम चर्चा कर देते हैं। सबसे पहले उठ करके सुबह सुबह में शौच आदि से निवृत्त होकर के कुल्ला कलाली करके कहीं पे आसन लगा दीजिए। नीचे जमीन में बैठ के नहीं किया जाता है, नीचे कोई दरी हो, त्रिपाल हो, बोरा हो, या कोई गमछा बिछा लेंगे, कुचालक चीज, उस पे बैठ करके हम आसन लगा लेंगे। सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, कोई आसन में बैठ के ध्यान मुद्रा लगा करके 3 बार या 5 बार ओम का उच्चारण कर लेंगे। मंत्र आदि याद है तो मंत्रों का जाप भी कर लेंगे, नहीं तो 3 बार या 5 बार ओम का उच्चारण करके भी आप कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद आप 4 प्रकार के यदि प्राणायाम कर लेते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी, कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। एक बार नाम बोल दीजिए, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कितने प्रणाम हो गए? 4। चारों का तरीका समझ गए आप लोग करने का? चारों प्रकार के यदि प्राणायाम कर ले तो आपका जिंदगी बदल जाएगा और कायाकल्प हो जाएगा। उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम, पैर वाला और हाथ वाला कर लेते हैं और कुछ आसन कर लेते हैं तो आपका और हमारा जो जीवन मझधार में पड़ी है वो किनारे लग जाए। इसलिए ज़्यादा झमेला में, तुल तलामत में नहीं पड़ना है। और हम सब, हमारे बीच मुखिया जी भी आ गए हैं, एक बार प्रणाम करते हैं और आ जाइएगा यहीं पर। तो आइए हम लोग चारों प्रकार का प्राणायाम, समझ में आ रहे हैं ना क्या बता रहे हैं? तो कुछ लोग लगता है इतना ना बता दिए, चारों प्रकार के प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी। चारों फेरे दोहरी याद है।